हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10। टॉपिक है हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में जरिए तरक्की की वजूहात, मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है। तो क्वेश्चन जो आ सकता है वो देख लीजिए कि डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन, मतलब हरियाणा और पंजाब के जरी इलाके में तरक्की की वजूहत क्या क्या है वो बयान करने के लिए कह रहा है। तो उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा हूँ, देखिए। पंजाब हरियाणा में जरी तरक्की की वजूहत के बारे में बयान करो। तो पहले देखिए, पहले कुछ हरियाणा पंजाब के बारे में एक दो पॉइंट लिखा हो तो देखिए, हिंदुस्तान की शुमाली मशरक में पंजाब हरियाणा दो ख़ास जरी खत्ते हैं। तो हिंदुस्तान की शुमाली मशरक साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पंजाब हरियाणा दो ख़ास जरी खत्ते हैं, मतलब पैदावारी इलाके हैं, खेती बाड़ी करने वाले इलाके हैं। इन दोनों शोबों से मुल्क के ज़्यादातर पैदावार का हिस्सा हासिल होता है। मुल्क में इतने सारे जो पैदावार हो रहे हैं फसलों का, तो उनमें से सबसे ज़्यादा इन दोनों का एक ज़्यादातर हिस्सा इससे हासिल होता है, हरियाणा और पंजाब से। ज़्यादात में ये दोनों इलाके खुद कफील है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। जितनी की ज़रूरत अनाज की ज़रूरत पड़ती है वो लोग ये दोनों इलाके खुद ही उगा लेते हैं और फिर बाकी दूसरे इलाकों में वो सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया। अब रीज़न देखिए, पंजाब हरियाणा में जरी तरक्की की वजूहत हस्ब जेल है। तो लिखने का तरीका भी देख लीजिए। नंबर वन, पंजाब हरियाणा की ज़मीन मस्ता और अमवाल है, जिस पर काश्तकारी आसानी से की जाती है। तो पंजाब हरियाणा की जो ज़मीन है वो मस्ता और हमवार, मतलब प्लेन बराबर है, जिस पर काश्तकारी आसानी से की जाती है। तो हम लोग प्लेन ज़मीन पर खेती बाड़ी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें आबपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए सहूलियत होती है, आने जाने की सहूलियत होते हैं, इसलिए उसमें काश्तकारी बेहतर होती है। नेक्स्ट, दोनों सूबों की मिट्टी दोमट है, जो काश्तकारी के लिए बेहतर मानी जाती है। तो इन दोनों सूबे पंजाब हरियाणा की जो मिट्टी है वो दोमट है, दोमट मतलब जिसमें कीचड़ और बालू की मकदार बराबर हो। तो ये जो है काश्तकारी के लिए ये ज़मीन बहुत ही, ये मिट्टी बेहतर होती है। थर्ड, दोनों सूबे में नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो काश्तकारी के लिए अहम है। तो दोनों पंजाब हरियाणा में नहरों का जाल, मतलब वहाँ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, तो इस वो मल्टीपर्पज़ वाली प्रोजेक्ट जो है उनसे बहुत सारे नहरें निकाले गए हैं, इसलिए नहरों का जाल बिछा हुआ और इन्हीं नहरों से जो है खेतों में आबपाशी की जाती है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो काश्तकारी के लिए अहम है। फोर्थ, केमिया खाद के इस्तेमाल से गजय अजनास की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। तो यहाँ पर सब्जी इनकलाब की बात, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात जो है, यहाँ पर केमिया खाद में उसमें एक डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में केमिया खाद का इस्तेमाल करके यहाँ के किसान ज़्यादातर केमिया खाद पर डिपेंड करते हैं। तो केमिया खाद के इस्तेमाल से गजय अजनास ये फसलों की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सब्ज़ इनकलाब के बाद से ही आला किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर सब्ज़ इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद से ही जो है पूरे मुल्क में ज़रात में तरक्की हुई। तो आला किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी इजाफा है। तो यहाँ पर हाइब्रिड टाइप के बीज जो है इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग मकई वगैरह हाइब्रिड मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जो शॉर्ट टाइम में पैदावार ज़्यादा होता है। तो ये इस्तेमाल हो जिस पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। सिक्स, दोनों सूबों के किसान मेहनती और खुद कफील है।
दोनों इलाके पंजाब हरियाणा के जो किसान फार्मर्स है वो मेहनती और खुद कफिल, मतलब मेहनत करने, हार्ड वर्किंग करने वाले और खुद कफिल मतलब सेल्फ सफिशिएंट, खुद कफिल होने और सरकारी मदद की वजह से ही किसान अपने ज़मीनों पर जदीद काश्तकारी के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर पाते हैं और खुद कफिल होने की वजह से, और यहाँ पर सरकार खेती बाड़ी के लिए बहुत ही मदद करते हैं, तो इस मदद की वजह से ही किसान अपनी ज़मीन पर जदीद काश्तकारी के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया, जिससे पैदावार में काफ़ी इजाफा होता है और फी हेक्टर पैदावार में बढ़ोतरी होती है। सेवन्थ लास्ट वन देखिए, इन दोनों सूबे में हर तरह की सहूलियत की वजह से यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना और कपास की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हर तरह की खेती बाड़ी में जो सहूलियत है, पानी की सहूलियत, हामदफ की सहूलियत, बीजों की, हर तरह की सहूलियत की वजह से जो है चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो देखिए इसमें मैं 7 पॉइंट लिखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा हूँ, तो देखिए आप लोग अगर जानते हैं पहले इसे जानते हैं तो, और अगर इसमें कुछ पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स, अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।